माफिया मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर पर मुख्तार अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव की तस्वीर भी लगाई गई थी। इस पोस्टर में लिखा था कि मुसलमान भाई इस बार ईद नहीं मनाएं, वो मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। पोस्टर में जिस राम सुधाकर यादव के नाम से ये अपील की गई है, बता दें कि वो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगा यह पोस्टर बाद में सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होने लगा था। राम सुधाकर यादव ने मुसलमानों से ये कहा कि वो ईद के दिन ईदगाह पर मौन रखें। वहीं मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को जान चली गई थी। देर शाम बांदा जेल में तबियत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनके दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। वहीं मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अदालतें उन्हें सितंबर 2022 से 8 मामलों में सजा भी सुना चुकी है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके थे। वहीं अंसारी के परिवार के सदस्यों ने उनकी जान जाने के जितने भी कारण थे उन पर संदेह जताते हुए ये दावा किया था कि उन्हें जेल के अंदर खाने के साथ स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि प्रशासन ने सभी आरोपों को अपनी तरफ से गलत बताया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश भी जारी किया है। उधर मुख्तार अंसारी के पक्ष में टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में राजधानी लखनऊ और चंदौली जिले में तैनात पुलिस के 2 सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बताते चले कि लखनऊ में बख्शी का तालाब थाने में तैनात पुलिस फयाज खान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अंसारी की हिमायत में कुछ टिप्पणियां की थी और विगत 28 मार्च को उनकी जान जाने के कारणों को लेकर संदेह भी जताया था। फयाज के इस पोस्ट को वायरल होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौजूदा तैनाती से उनको हटाकर पुलिस लाइन में भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ चंदौली में पुलिस लाइन में तैनात एक अन्य कांस्टेबल आफताब आलम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मुख्तार अंसारी के पक्ष में लिखा और उसे मसीहा भी करार दिया। वहीं चंदौली के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने इसमें बताया कि सिपाही आफताब आलम ने ऐसा करके प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया नीति और राज्य सरकार के आचरण नियमों का उल्लंघन किया है और इस वजह से उसे पुलिस अधीक्षक से निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू करी गई है। इसके बाद बता दें आपको कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज गाजीपुर पहुंच रहे हैं। वो मुख्तार अंसारी के आवास पर जाएंगे और सांसद अफजाल अंसारी समेत परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। वो मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर वहां पर फूल भी चढ़ाने वाले हैं। बता दें कि बीते दिनों सपा नेता धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार अंसारी के आवास पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह का इस पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन की सूचना प्राप्त हुई है। उन्हें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के लिए शहीद इंटर कॉलेज में हेलीपैड भी तैयार कराया जाएगा। जानकारी कैसी लगी हो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर।